अब ये गाना मीन से चल रहा है पूरा, आज तुमको बोल रहा हूं मीन से चल रहा है, आगे चल के ये गाना तुमको किस चीज से चल रहा है ये भी बताऊंगा, जिसको मीन के अंदर का रूप है। जैसे बच्ची जब बड़ी होके शादी होने के बाद में वो माँ के रूप में आती है, हाँ जी बोलिए, और उसके बच्ची की शादी होती तो दादी के रूप में या नानी के रूप में आती है। हाँ जी, उसके तीन जो है कैटेगरी, बच्ची, माँ, दादी। ओके, जब तुम्हारा पूरा मीन रेडी हो जाएगा उसके बाद में तुम्हारा गाना जो चलेगा वो अपने उस्ताद की स्टाइल से चलेगा, जो बड़ी डीप है, और वो गायकी ऐसा राज करती है कि दुनिया को क्या लेना है क्या नहीं देना हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी आत्मा और शरीर एक साथ बैलेंस करता है। अब ये जब मिसमैच होता है तो कान अटपटे होते हैं, पर ये स्टाइल ऐसी है उस्ताद जी की, सदगुरु की। इसमें तू कहाँ ठहरा कहाँ नहीं ठहरा कोई लेन देन नहीं, वो तुम्हारे अंदर कैसे तैयार होगा, पहले बेसिक तुमको दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा, फिर कूदना पड़ेगा, चले ही नहीं तो कैसे कूदोगे। इसलिए तुमको पहले, अब तुमने सब सीख लिया है दो तीन साल के अंदर, तीन साल अंदर में नोटेशंस ये सब सब जमा कर लिया रॉ मटेरियल, अब उसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए तुमको सिस्टम तो मालूम चाहिए, भाई ईटे आ गई, सीमेंट आ गया, सब आ गया, रेती आ गया, लेकिन दीवार बनाने का भी टेक्निक है ना। हाँ जी, खाली एक मेक के ऊपर ईट रख गए तो दीवार बन जाएगी, लेकिन लात मारने से टूट जाएगी। हाँ जी, उसको कैसा करना है परफेक्ट, कितना प्रमाण चाहिए, 4-2-1 बोलते हो उसमें डालते हो, मुझे पता नहीं क्या है 4-2-1, अपन 1-2-4 करेंगे, मिश्रण अलग अलग कितना डले, एक ईट दो रेती चार सीमेंट या चार रेती दो सीमेंट जो भी है, उस तरीके से उसको एक शेप देना है। वो दीवार बनने के बाद में रहने के लायक होगी क्या, नहीं, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ेगा, उसके ऊपर पुटिंग चढ़ेगा, उसके ऊपर कलर चढ़ेगा, उसके बाद में वो जो ऐसे प्लास्टिक कोटेड बन जाएगी ना, तो तुमको उसके ऊपर दाग लगाने की भी हिम्मत नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। गाना ऐसा चाहिए मेरे भाई कि उस तरीके से कोई देखे तो ऐसा सुन पड़ जाए कि अरे यार क्या चल रहा है, बहुत ये कभी जमेगा क्या हमको, ऐसी भावना आना चाहिए। लेकिन दावे से कहता हूं कि तुमको जमेगा, क्योंकि तुमने आज तक जो चीज बोला है वो किया है, जो किया है इसलिए तुमने ये सब चीज पा लिया है, अभी आगे चल के तुम्हारा रास्ता, पहले कांटे तो हटा दिए रास्ते के, अब रास्ता साफ हो गया, अब चाहे आंख मूंद के भी चलेगा ना तो कांटा नहीं चुभेगा, पहले हमने ये काम किया। ओके, अब क्या किया, देखो ये कर्ण हुआ है, हाँ जी ये कर्ण हुआ है, ये मीड हुई हो गई आरोही मीड, अब ये अवरोही मीड, ये भी कर्ण है लेकिन ये खटका रूपी कर्ण है, खटका रूपी कर्ण, खटका रूपी मतलब प द, कहाँ से उठी थी, द से, सा द सा द सा द से उठी थी, तो मीन खटका कण ये सब मिलके रेती सीमेंट ईटे कौजा मिलके दीवार बनती है। ऐसा नहीं मेरे गाने में खाली मीन ही चलेगी सर,
हम बाकी खटका नहीं गाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं नहीं गुरुजी, हाँ जी, हमारे गाने में वो सब चलेगा, मिर्ची भी लगेगी, नमक भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो बनेगा एक वो भट्टी जिसको बोलते ना। कहने का मतलब बेटा ये है कि कुछ किसी एक चीज से गाना नहीं होता है। मैं समझ गया हाँ जी गुरु जी। खाली शास्त्र से भी गाना नहीं होता है। हाँ जी गुरु जी। शरीर में जान आने के बाद में इंसान जिंदा कहलाता है। हाँ जी गुरु जी। जान निकलने के बाद में ठीक है, हमको जो मृतावस्था में लिखा है किताबों में वो सब मरा हुआ है। हाँ जी गुरु जी। वो लिखा है करके हम उसको पढ़ सकते, उतनी उसकी अहमियत है। हाँ जी गुरु जी। उसको अंदर डाल के उसको कलाकारी से जिंदा करके बाहर निकालना।